मैं पूछना चाहूंगी माननीय गृह मंत्री से कि अब ये सारे बिल हो गए, ये पास भी हो जाएंगे, कब जम्मू और कश्मीर में चुनाव होगा और कश्मीर की आवाज़ और जनता की आवाज़ उनकी असेंबली में गूंजेगी, लोकसभा में गूंजेगी। गृह मंत्री ने अपनी स्पीच में कहा कि हर 3 महीने वो जम्मू और कश्मीर जाते हैं, देखते हैं वहाँ की परिस्थिति क्या है। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ जून 2022 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला जा रहा था, उनकी टारगेटेड किलिंग हो रही थी, उनको बार बार वो कहा जा रहा था कि कश्मीर खाली कर जाएं, तभी भी हमारे गृह मंत्री ने उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। सर, 2019 अगस्त में लोकसभा में माननीय गृह मंत्री ने एक बात रखी थी जब 370 हट रही थी और शिवसेना ने पूरी तरीके से उस पर समर्थन दिया था, और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने होल हार्टेडली वेलकम किया है और इस बिल का भी हम समर्थन करेंगे। उन्होंने एक बात कही थी कि सदन के सामने जो बिल लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ, इसमें POK और अक्साई चिन्ह का उल्लेख है और 1-1 इंच ज़मीन का उल्लेख है, पर उनकी लोकसभा की स्पीच में या इस बिल में कहीं भी हमें POK का तो दिख रहा है, अक्साई चिन्ह के ऊपर ना उन्होंने अपने पक्ष रखा है ना उसके बारे में कोई विचार रखा है। सर, जब 2019 में ये बिल आ रहा था, 3 चीज़ों का वादा किया गया था कि जम्मू और कश्मीर में पीस बहाल होगा, आतंकी हमले ख़त्म होंगे। दूसरा कहा था जल्द से जल्द स्टेटहुड मिलेगा, चुनाव होंगे, जैसे ही पीस बहाल होगा स्टेटहुड भी वापस आएगा और चुनाव भी होंगे। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण वादा था, वो वादा था कश्मीरी पंडितों के लिए कि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर जा सकेंगे और उनको पूरी सहूलियत दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। सर, मैं उस पार्टी से आती हूँ कि जब 1989 में उनका पलायन हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, तो हमारे पार्टी के लीडर वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में उनके लिए 2% रिजर्वेशन की थी सीट्स का, जैसे उनकी एडुकेशन किसी तरीके से प्रभावित ना हो। और आज तक हमारी लड़ाई जारी है कि कश्मीर में उनको वापस आना चाहिए, कश्मीर में लौटना चाहिए। गृह मंत्री ने अपनी स्पीच में कहा कि हर 3 महीने वो जम्मू और कश्मीर जाते हैं, देखते हैं वहाँ की परिस्थिति क्या है। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ जून 2022 में एक पिक्चर रिलीज हुई थी, कश्मीरी फाइल्स। पूरी राजनीति हुई उस पर, पूरा उसको समर्थन दिया गया, टैक्स फ्री की गई, सब किया गया। पर वहीं पर जून 2022 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला जा रहा था, उनकी टारगेटेड किलिंग हो रही थी, उनको बार बार वो कहा जा रहा था कि कश्मीर खाली कर जाएं, तभी भी हमारे गृह मंत्री ने उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया, ना उसके ऊपर कोई ट्वीट किया होगा, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में किसी तरीके की ट्वीट की होगी, जैसे मणिपुर में हो रहा है। कश्मीरी पंडितों के बारे में पूरा जो प्रोटेस्ट था उसमें गृह मंत्री वहाँ पर गए भी नहीं, संज्ञान लिया भी नहीं। वहाँ पर मैं पहुँची थी क्योंकि ये मेरी पार्टी के विचार हैं कि कश्मीरी पंडित भाई बहन कहीं भी पीड़ित हो, प्रताड़ित हो, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। मैंने ये मांग आकर यहाँ पर उठाई भी, पर उसको दरकिनार कर दिया गया। मैं बस यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, आखिरी में समय कम है सर, मैं बस ये कहना चाहूँगी सर, आई नो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, अब वो चेयर पे बैठने का अनुभव मुझे भी मिल गया है, सो आई बी मोर कॉन्शियस। लास्ट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, जो बिल में कहा गया है कि 2 सीट्स जो हैं, 2 सीट्स रिजर्व की जाएंगी उन कश्मीरी पंडित भाई बहनों के लिए जिनका वहाँ से पलायन हुआ। मैं पूछना चाहूँगी जो वहाँ पर रुके हुए हैं इतने नरसंहार के बाद भी उन्होंने कश्मीर को नहीं छोड़ा, उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन असेंबली में मिलेगा या नहीं मिलेगा? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं पूछना चाहूँगी माननीय गृह मंत्री से कि अब ये सारे बिल हो गए, ये पास भी हो जाएंगे, कब जम्मू और कश्मीर में चुनाव होगा और कश्मीर की आवाज़ और जनता की आवाज़ उनकी असेंबली में गूंजेगी, लोकसभा में गूंजेगी और राज्यसभा में गूंजेगी, नॉट थ्रू नॉमिनेटेड MP बट थ्रू an MP सिलेक्टेड बाय द MLAs इन द असेंबली।